नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितेश कुमार गौतम। और खबरों की शुरुआत एक बड़ी और अहम जानकारी के साथ करते हैं। रादौर से बड़ी जानकारी, जहां पर अवैध खनन लगातार धड़ल्ले से किया जा रहा है। सुर्खियों में आया खनन और ओवरलोडिंग का मामला। रादौर से ये बड़ी जानकारी, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अधिकारियों की रेकी की जाती है और इस तरह से अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है। वकील वर्याम सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है इसको लेकर। प्रशासन पर ढीला रवैया बरतने का आरोप लगाया गया है। बड़ी जानकारी, दरअसल नूह में डीएसपी की हत्या के बावजूद भी जो दावे किए गए थे अवैध खनन को रोकने के, उसमें सख्ती जरूर की गई, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों पर अभी भी धड़ल्ले से अवैध खनन जारी है। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अधिकारियों की रेकी की जाती है और जब तक अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, वहां से खनन माफिया फरार हो चुके होते हैं। प्रशासन पर ढीला रवैया बरतने का आरोप लगा है। वकील वर्याम सिंह की ओर से मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें प्रशासन पर ढीला रवैया बरतने का भी आरोप है। और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए किस तरह से रेकी होती है, उन मैसेजेस को आपको दिखा रहे हैं। पल पल की जानकारी इन व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए खनन माफियाओं तक पहुंचाई जाती है, ताकि अवैध खनन को किया जा सके। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी इस वक्त जुड़ गए हैं और उनके साथ वकील वर्याम सिंह भी मौजूद हैं, जिन्होंने याचिका दायर की है। ओवर टू यू कुलदीप। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि यहाँ पर जो अवैध खनन का जो खेल है वो लंबे समय से चल रहा है। हालांकि इसको लेकर जो है हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाले जो है एडवोकेट वर्याम सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने एक और मुद्दा उठाया, क्योंकि इस वक्त जो है अवैध खनन के साथ साथ जो है जो अधिकारी होते हैं ओवरलोड रोकने के लिए, उनकी जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जो है रेकी की जा रही है, इस प्रकार का मामला भी सामने आया है। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट वर्याम सिंह मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। जी वर्याम सिंह जी, पहले तो आपका जनता टीवी में स्वागत है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा, रेकी ग्रुप बहुत पहले समय से सक्रिय थे और इन्होंने रेकी ग्रुप्स बनाए हुए व्हाट्सएप पे, और जैसे ही कोई अधिकारी सेक्रेटरेट से अपने कार्यालय से निकलता है तुरंत ग्रुप में लिखा जाता है कि आरटीओ डीटीओ डीसी एसपी यमुनानगर से निकल चुके हैं और वो बताते हैं किस रूट पे जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं, और वो एक तरह की निजी जानकारी जुटाते हैं। और देखिएगा, निजी जानकारी मैं पिछले 3 वर्ष से कई बार आप लोगों के माध्यम से आया तो मैंने बताया कि ये जो पर्सनल जानकारी है ये कहीं ना कहीं घातक साबित होगी। और देखिएगा, आज हाल में एक ताबड़ू के अंदर जिस तरह से डीएसपी अपनी ड्यूटी निर्वाह करने के लिए गए थे और उनके ऊपर हमला हुआ, और देखिएगा वो हमला किस तरह से उनको पता लगा कि वो आने वाले हैं, किस तरह से पता लगा कि आज संख्या कम है, किस तरह से पता लगा कि आज पुलिस फोर्स नहीं है, ये एक बड़ा मुद्दा है। और रेकी ग्रुप के अंदर जो विदेशी नंबर है वो भी ऐड है, और वो विदेशी नंबर आप अगर स्क्रीनशॉट पे देखेंगे तो विदेशी नंबर भी उसमें दिखाए गए, और ये पूर्णतः रेकी जो है वो ओवरलोड और अवैध खनन की जाती है। किस तरह से हरियाणा सरकार को करोड़ों रुपए का प्रतिदिन चपत लगाई जा रही है, और किस तरह से दफ्तरों से बाहर सूचना आती है कि फलां अधिकारी फलां जगह फलां टाइम पर फलां रूट से जाएगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है प्रशासनिक अधिकारियों पर। ऐसा कौन अधिकारी है जो निजी स्वार्थ के लिए, ऐसे कौन लोग हैं जो निजी स्वार्थ के लिए कार्यालयों की सूचना बाहर देते हैं और समय से पहले खनन माफिया को पता लगता है और जैसे ही कार्रवाई होती है उससे पहले सब कुछ सामान्य कर दिया जाता है, तो ये एक बड़ी बात है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि हरियाणा सरकार चाह कर भी इस भ्रष्टाचार के खेल पर अपना कड़ा प्रहार नहीं कर पा रही, क्योंकि जब तक रेकी ग्रुप्स पे कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक मैं मानता हूं कि अवैध माइनिंग पर कंट्रोल करना नामुमकिन है। इसी मामले को लेकर के कुलदीप जी, मैंने जठलाना थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था और एक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भी मुकदमा दर्ज कराया गया है, उसमें केवल और केवल पुलिस द्वारा लीपापोती करके सबूतों को मिटाने का काम किया जा रहा है, और जबकि होना यह चाहिए था कि पुलिस को सतर्कता से उस पर कार्रवाई करके
वो जो लिस्ट आई थी, वो जो लोगों का नाम आए थे, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में अन्य लोग जुड़े हुए थे, उनकी तय तक जाना चाहिए था अभी क्या ये कहां तक कार्य करते हैं, किस तरह से इनका खेल है। परंतु ऐसा नहीं हुआ। आज 1.5 साल से अधिक समय उस कार्य को, उस वारदात को हुए हो गया, आज तक पुलिस उस मोबाइल को वहां से ट्रैक करा के नहीं लेके आई जिसमें उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के अन्य आदमियों के नाम थे और वो किस तरह से रैकी करते थे। जो प्रूफ हमने दिए, जो सबूत हमने दिए, पुलिस केवल उस पर ही कार्रवाई कर रही है, तो क्या एक कंप्लेनेंट, एक शिकायतकर्ता सबूत देगा? बिल्कुल, अगर बात की जाए जिस प्रकार से, अगर ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है, ये खेल किस प्रकार से चलता है और क्या रहता है इनमें टोटल का? देखिएगा कुलदीप जी, ये एडमिन जो है वो एक ग्रुप में, जैसे बताया जाता है कि 250 आदमी के करीब जुड़ते हैं, तो प्रति आदमी से 2500 रुपए एंट्री के तौर पे ली जाती है और उसको जोड़ा जाता है। फिर उसके व्हीकलों की संख्या देखी जाती है, कितने व्हीकल है, फिर देखा जाता है किस अधिकारी से कितना देना है, कितना लेना है, वो एक पूरा सिस्टम है। अगर कोई ओवरलोड वाहन या अवैध खनन कहीं करते हुए और रैकी ग्रुप में उसकी एंट्री है और वो पकड़ी जाती है, कुलदीप जी आप चंबित रहेंगे कि उसका पैसे का निर्वाह भी ग्रुप एडमिन करता है। आप ये देखिएगा कि कितने बड़े लेवल पर अवैध माइनिंग कराई जा रही है, कितने बड़े लेवल पर। ये जो अगर ये जो खेल की अगर बात की जाए, क्या पूरे हरियाणा में इस प्रकार का चल रहा है? देखिएगा ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से जो आपको डाटा शेयर किया गया, उसमें रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर, फरीदाबाद, गुड़गांव, देखिएगा पूरे हरियाणा का डाटा है। आप एक बार उस ग्रुप में बोलिएगा कि फरीदाबाद बताए, तुरंत फरीदाबाद की लोकेशन आएगी, जिस अधिकारी का नाम लेंगे उसकी लोकेशन आएगी। मैं पूछना चाहता हूं, ये प्रशासन पर, ये सरकार पर व्हाट्सएप ग्रुप इतना हावी हो गया और आज तक सिर्फ 2 ही मुकदमे और दोनों की जांच जो है वो नाम मात्र को औपचारिकता। अब बिल्कुल मुझे ये भी पता लगा कि जो व्हाट्सएप ग्रुप के जो एडमिन है, ये छोटे छोटे बच्चे जो है, इस प्रकार के जो युवा है, उनको जोड़ते हैं ताकि उनको कम पैसे देने पड़े इस काम के लिए। देखिएगा आप अपने व्यू से ठीक कह रहे हैं, परंतु उसका एक और लॉजिक है, वो छोटे बच्चों को इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि वो जुनाइल की श्रेणी में आते हैं, वो अपराध की संख्या में उनको एक राहत है कानूनन की, उनकी बेल वगैरह जल्दी हो जाती है, उनको ज्यादा पुलिस भी नहीं, प्रशासन भी, और कहीं ना कहीं उनको एक राहत है, न्यायिक राहत है कि वो बच्चे हैं। और ये लोग उनको जानबूझकर कम पैसे देकर, क्योंकि अगर मेजर आदमी को जोड़ेंगे एक तो पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, अगर एक पकड़ा गया तो कार्रवाई मेजर की होगी। अब इन्होंने क्या फार्मूला कर रखा है कि छोटे बच्चों को जोड़ते हैं और छोटे बच्चों को सड़क पे खड़े खड़े किनारे कोई पुलिस वाला पूछता भी नहीं, तू कैसे खड़ा, वो क्या करते हैं, छोटा बच्चा उनको ये कुछ चंद पैसे देकर के उनको बताते हैं कि जैसे ही कोई पुलिस की गाड़ी, कोई सरकारी गाड़ी आएगी, तूने नंबर के साथ व्हाट्सएप पे बोल देना। मतलब कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि जो छोटे युवा है, जो अभी बच्चे हैं, उनको भी गलत कार्य में डाला जा रहा है कहीं ना कहीं। देखिएगा किसी भी देश को ऊपर उठाने के लिए उसकी पनीरी, उसकी युवा पीढ़ी सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है और वो युवा पीढ़ी जो है बच्चों से शुरुआत होती है। इन बच्चों को अगर इस तरह से, हमारे बच्चों को इस तरह से अगर ये गलत रास्ते पे लेके आ रहा है तो हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो खराब हो रही है। और देखिएगा अगर इसी तरह से हालात रहे, इसी तरह से हमारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहे, और देखिएगा व्हाट्सएप एक अच्छी चीज थी, उससे अच्छे कार्य भी किए जा सकते, परंतु हमारे क्षेत्र में पूर्णतः अवैध खनन और ओवरलोड के कार्य को लेकर के व्हाट्सएप ग्रुपों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रशासन की नॉलेज में 20-50 बार तक अधिकारियों को बता दिया गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप से अवैध खनन की जा रही है और व्हाट्सएप ग्रुप से ओवरलोड का कार्य किया जा रहा है। और अब तो विदेशी नंबर जुड़ चुके हैं, मेरे को एक बात बताइएगा, विदेशी नंबर कोई रेत तो खरीद नहीं रहे, कोई बजरी तो खरीद नहीं रहे, वो क्या करेंगे, वो अपने नशे का कारोबार फैलाएंगे। और अगर वो एक बार इन ग्रुपों में पूर्ण तस्क्रिय हो गए, और देखिएगा उनके पास ना पैसे की कमी है ना सिस्टम की कमी है, तो फिर व्हाट्सएप ग्रुपों पर पानी काबू पाना हरियाणा सरकार के बस से बाहर की बात होगी मेरे मुताबिक। बिल्कुल, देखिए जैसा एडवोकेट बरियाम सिंह ने बताया कि जिस प्रकार से ये चल रहा है खेल, कहीं ना कहीं अवैध खनन के साथ साथ जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है, कहीं ना कहीं उनको भी जो है गलत रास्ते पर डाला जा रहा है। हालांकि इसमें शासन प्रशासन बार बार कार्रवाई की बात करता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर आज तक कोई कड़ी कार्रवाई इस पर नहीं की जाती, जिसके चलते जो है इस प्रकार के जो मामले हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ओवरलोड का है या अवैध खनन का है, वो लगातार बदस्तूर जारी है। जी, रोकने के लिए हरियाणा सरकार प्रयास भी खूब कर रही है। नूह में जिस तरह से जघन्य वारदात सामने आई, उसके बाद भी कई फैसले लिए गए, जीपीएस सिस्टम लगाने की बात की गई, सुरक्षा को और बढ़ाने का जिक्र भी सामने आया। सरकार के फैसले से क्या कोई फर्क पड़ा है, बदलाव आया है जिस तरह से अवैध खनन को लगातार अंजाम दिया जा रहा है? आपसे क्वेश्चन किया गया है स्टूडियो से कि क्या जिस प्रकार से ये मामला डीएसपी वाला मर्डर वाला हुआ था, क्या उसके बाद जिस प्रकार से शासन प्रशासन जो है वो कड़ी कार्रवाई की, कड़ी इसमें आदेश जारी कर रहा है, क्या इस प्रकार का कोई फर्क पड़ता है, नजर आ रहा है अब तक आपको? देखिएगा प्रशासन
जो हरियाणा सरकार है वो कहीं ना कहीं इस पर खेल के ऊपर अपना कड़ा प्रहार करना चाहती है, परंतु मैं उनकी फेलियरता बताऊंगा कि वो केवल और केवल जो प्रशासनिक अधिकारी रिपोर्ट भेज रहे हैं उन पर विश्वास कर रहे हैं, और प्रशासनिक अधिकारी कहीं ना कहीं कुछ मिली भगत अधिकारी जानबूझ करके झूठी रिपोर्ट भेज के जो सामाजिक लोग हैं जो मौका की रिपोर्ट है उसको अवॉइड करते हैं और जानबूझ के गलत रिपोर्ट हरियाणा सरकार को भेजी जा रही है। मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से मांग करता हूं कि जहां आपने भ्रष्टाचार पर इतने कड़े प्रहार किए, एक कड़ा प्रहार भ्रष्टाचार की तरह सीबीआई जांच करा करके इस अवैधकरण की जांच करा दे, बड़े बड़े चेहरे और बड़े बड़े आला अधिकारी के पर्दे ना खुल जाए तो मैं जिम्मेवार हूं। ये अधिकारी ये भ्रष्टाचार का खेल बड़े आला अधिकारी और बड़े चेहरे कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो निम्न स्तर की जांच एजेंसियां हैं, जो हरियाणा स्तर की जांच एजेंसियां हैं, वो उन पे प्रभाव डालते हैं और वो जांच एजेंसियां एक लिमिट तक जाकर के रुक जाती हैं। मैं पूछना चाहता हूं अवैध खनन के मामलों में ही क्यों जांचें रुकती हैं, अवैध खनन के मामलों में ही चालान जल्दी प्रोड्यूस क्यों किए जाते हैं, अवैध खनन के मामलों में ही जमानतें जल्दी क्यों होती है, अवैध खनन के मामलों में ही सुपरदारियों और रिलीज ऑर्डर क्यों जारी किया जाता है, अवैध खनन के मामलों में ही राहत क्यों दी जाती है, और बहुत सारे कार्य हरियाणा में राहत देने के लिए उस पर विचार नहीं होता हर मुद्दे पे। बिल्कुल कुलदीप, कहीं ना कहीं जिस तरह से वर्याम जी भी बता रहे हैं कि जो ये अवैध खनन है वो लगातार लंबे समय से हो रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। खबर